पूरी तरह से हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि फतेहपुर के एसपी को हटा दिया गया है। दरअसल फतेहपुर में भी बवाल हुआ था, दो पक्षों में मारपीट हो गई थी और इसी को लेकर फिलहाल फतेहपुर के एसपी को हटा दिया गया है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव वहां से हटाए गए हैं और फिलहाल फतेहपुर की कमान सौंपी गई है लखनऊ के एसपी पूर्वी के पद पर तैनात रहे राजीव मेहरोत्रा को। तो बड़ी खबर आ रही है, एक बार आपको फिर से बता दें कि बांदा के एसपी डीएम क्यों बख्श दिए गए। बांदा में भी बवाल हुआ था, दो समुदाय के बीच मारपीट हुई थी, यानी उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन के दौरान कई जगहों पर मारपीट हुई है, कई जगहों पर बवाल हुआ है और ये बवाल अभी भी थमा नहीं है। हालांकि जगह जगह पर पुलिस की चौकसी है, जगह जगह पुलिस चौकसी बरत रही है, कोशिशें में लगातार जुटी हुई है। उन जो बवाल करने वाले लोग हैं उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, गाज भी गिरे हैं और गाज फतेहपुर के एसपी पर गिरी है। एसपी को फिलहाल हटा दिया गया है फतेहपुर से, ओम प्रकाश श्रीवास्तव को फिलहाल फतेहपुर से हटाया गया है और राजीव मेहरोत्रा को कमान सौंपी गई है फतेहपुर की। तो एक बार आपको फिर से बता दें, लेकिन बांदा मुरादाबाद कुशीनगर के एसपी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कानपुर के एसपी की बात कर लीजिए, कानपुर में भी पूरी तरह से प्रशासनिक जो सिस्टम है वो फेल नजर आई शुरुआती दौर में। जिस तरह से प्रशासन के आला अधिकारी काम करते हुए नजर आए, सबको जानते हुए फिर भी लोगों को रोक नहीं पाए। दंगाई लगातार जो बवाल करने वाले लोग थे कल दिन भर परेशान करते रहे, दिन भर सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। हालांकि अब जाकर वहां पर सख्ती बढ़ती गई है, धारा 144 लागू होने के बाद जगह जगह पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है, सभी दुकानें बंद करा दी गई है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बीच प्रशासनिक कार्रवाई हुई है फतेहपुर में, फतेहपुर को एसपी को हटा दिया गया है, ओम प्रकाश श्रीवास्तव को हटाया गया है और मनोज मिश्रा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फतेहपुर से। मनोज मिश्रा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसी बवाल के चलते फतेहपुर के एसपी को हटाया गया है? तो मनोज मिश्रा से हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको फिर से बताते हैं कि ओम प्रकाश श्रीवास्तव को हटा दिया गया है, इस वक्त एसपी थे फतेहपुर के लेकिन बवाल के कारण हटाया गया है जो खबर आ रही है। वहीं लखनऊ पूर्वी के पद पर तैनात राजीव मेहरोत्रा को फतेहपुर की कमान सौंपी गई है। दुर्गेन्द्र चौहान जो हमारे के न्यूज के एडिटर हैं ऑपरेशन, दुर्गेन्द्र चौहान जी, सवाल यह उठता है कि सिर्फ फतेहपुर के एसपी पर कार्रवाई क्यों? दुर्गेन्द्र चौहान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ विद्या, अपना सवाल दोहरा जी। सवाल यह है कि फतेहपुर के एसपी पर कार्रवाई हुई है, बवाल कई जगहों पर हुआ है, बाकी एसपी और जिलाधिकारी को क्यों बख्शा गया? विद्या, यही बड़ा सवाल है कि अभी अभी जो लखनऊ से कुछ तबादलों की लिस्ट आई है उसमें कहीं सोनभद्र और दोतार एक जो जगह के एसपी बदले हैं, लेकिन जो बड़ी कार्रवाई है वो फतेहपुर के एसपी ओम प्रकाश को हटाया गया है। राजीव मेहरोत्रा जो लखनऊ में एसपी थे, अभी अभी उनका प्रमोशन हुआ है, वो आईपीएस बने हैं, उन्हें पहले जिला मिला है, उनको फतेहपुर का एसपी बनाया गया है। तो फतेहपुर में जिस तरीके से हालात थे, भले ही वहां इस तरह की कोई प्रशासन जो है, पुलिस है, जो अधिकारी हैं, वो ये नहीं कह रहे थे कि वहां इतने गंभीर हालात हैं, लेकिन जो लगातार हमारे संवाददाता बता रहे थे कि फतेहपुर में भी बहुत गंभीर हालात हैं, वहां पर जिस तरीके से जुलूस को लेकर, जो दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन को लेकर जो बवाल हुआ था, तो वहां की स्थिति को देखते हुए मान लिया गया कि एसपी का पूरी तरह फेल्योर रहा है। लेकिन केवल एसपी को हटा के ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, मुझे लगता है कि डीएम और अन्य अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर प्रशासन ने ये पहल की है, अगर सरकार ने ये पहल की है कि अगर फतेहपुर के एसपी दोषी हैं, उन्हें हटाया जाना हटा दिया गया है, तो कानपुर का एसएसपी क्यों नहीं हट रहा है? लखनऊ से क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कन्नौज का एसपी क्यों बना हुआ, वहां का डीएम क्यों बना हुआ है? अभी कुशीनगर में घटना हुई है, वहां के अधिकारी क्यों बने हुए हैं? मुरादाबाद में इस तरह की घटना हुई, कमोबेश पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हुई, तो ये सरकार या जो शासन है ये कड़ा संकेत क्यों नहीं दे रहा है एक साथ सबको हटा के? दुर्गेन्द्र चौहान जी, और ये सवाल कल लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी उठा रहे थे जब वो फतेहपुर के दौरे पर जा रहे थे और मंडवा जाने से उन्हें रोका गया था, बॉर्डर पर ही चारों तरफ से फोर्स लगाकर उन्हें वापस कर दिया गया, और ऐसे में उन्होंने कहा कि फतेहपुर की एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे बाद वो कन्नौज भी गए, इससे ज्यादा बवाल कन्नौज में हुआ, कन्नौज में एक की मौत भी हुई, जिसके बाद आप बांदा ले लीजिए, वहां पर भी बवाल हुआ, कानपुर में भी बवाल हुआ है। लेकिन आखिरकार फतेहपुर के एसपी पर जो गाज गिरी है, कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल विद्या, अगर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये अच्छा संकेत है। एक ये भी मजबूरी हो सकती है कि एक साथ डीएम और एसपी को हटाया जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो क्षेत्र होता है जहां उपद्रव होते हैं
वहां जो पुराने अधिकारी काम कर रहे होते एकदम से उन्हें हटाया जाना ठीक नहीं होता। लेकिन कई जगह पहले ऐसा भी देखा गया है कि बिल्कुल डीएम और एसपी दोनों को हटाया गया है, नए अधिकारी सक्षम अधिकारी पोस्ट किए गए हैं। तो ऐसा कहीं कोई सर्वमान्य कोई ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, गणित का कोई सिद्धांत नहीं है। कॉम्पिटेंट अधिकारी होने चाहिए, ये साबित हो गया है कि कॉम्पिटेंसी नहीं है, अधिकारी ढुलमुल रवैया अपनाए रहे। अगर कानपुर की बात करें, ये 14 सालों के बाद ऐसी हालात आए हैं। सन 2016 मार्च 2001 को यहाँ बड़ी हिंसा हुई थी, उसमें तत्कालीन एडीएम फाइनेंस की पाठक की हत्या भी हुई थी। उसके बाद 14 साल से यहाँ मन चैन था, कभी भी इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन 14 सालों बाद एकाएक इस तरह की घटना हो जाना वाकई बहुत गंभीर बात है। और इसमें अगर देखा जाए तो टोटली जो अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कुछ पॉलिटिकल बातें कह रहे हैं तो वो उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से हालात बने, जिस तरीके से प्रशासन ढुलमुल दिखा, पुलिस में दोफाड़ दिखे, अब आप कानपुर की बात करेंगे तो वहाँ अलग अलग जपली है, अलग अलग राग है, एसएसपी अलग राग अलापते हैं, डीआईजी का अलग राग है, आईजी का अलग राग है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस तरीके के दो फाड़ है। तो कुल मिलाकर कोई अपनी भूमिका नहीं अदा करता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, जो शासन में बैठे अधिकारी हैं, क्या उनके नीचे के लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं? पूरा प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं, कानपुर को लेकर फिक्रमंद हैं, कन्नौज को लेकर फिक्रमंद हैं। तो अब तक जो सीन सामने आया है विद्या, वो फेलोर है। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि कार्रवाई करके कड़ा संकेत देना चाहिए शासन को।